छाए हुए हैं, मतलब आप हर तरफ। ये चाहने वालों ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया कि कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में कंकर मार दिया। मतलब कौन सी बात ऐसी है जो आपको सबसे अच्छी लगी है? एक तो ये कि आलोकनाथ के घर के लोगों को पता होगा कि कुत्ते भी इतने संस्कारी हैं कि वो भौंकते नहीं हैं, वो बाऊजी 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 बोलते। अब आलोकनाथ जी के बारे में मैंने भी एक पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आलोकनाथ जी इतने संस्कारी हैं कि अपनी बेटियों को बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि बेटियों को बैंक में जमा कर देते हैं क्योंकि बेटियां पराया धन है। एक बेटी है आपकी, मतलब उसका आपने कई बार कन्यादान किया है, माधुरी दीक्षित उनका नाम है। आप बेटी मानते ना उनको? जी। बिल्कुल। तो वो एक रियलिटी शो में आ रही हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। जी, तो आप उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? माधुरी को तो दिल से उसके लिए एक वाह निकलती है, एक उसको कि हमेशा अच्छा हो इसके साथ। और कलाकार तो कमाल ही है, डांसर कमाल की है, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो मेरा तो हमेशा उसके लिए यही आशीर्वाद है कि तरक्की की सीढ़ियों पर, बस बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ती रही है हमेशा। अब बोलने से पहले ही मुझे हंसी आ रही है, आप सच में आशीर्वाद वाला ही आटा खाते हैं? मैं जब जब रोटी का निवाला तोड़ता हूँ ना, तो मेरे को ये सुन के, ये सोच के हंसी आ जाती है। नहीं, मैं आशीर्वाद का आटा नहीं खाता हूँ। लेकिन आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना, आशीर्वाद दे सकता तो मैं हूँ। चाहता हूं आप वीरा के रणवीर को आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि बेचारे को प्यार में ठोकर मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, उसको मतलब किसी से प्यार हो गया है लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती, तो उसको क्या करना चाहिए? आपके संस्कार क्या कहते हैं? चूंकि मेरे आशीर्वाद में दम है, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि लगे रहे बेटा, पीछे पड़े रहे, कुछ भी हो छोड़ना नहीं, लगे रहे, सफल होगा। अब तक कितने कन्यादान किए हैं आपने? बहुत किए हैं, काफी किए हैं। देखिए, काफी कन्यादान किए हैं, काफी अपना काफी बच्चे हैं मेरे, काफी काफी पत्नियां रही हैं। तो हर किस्म का मजा लिया मैंने। किसी ने ये भी लिखा था कि अब अगर गिनती की जाए कि फिल्मी टेलीविजन की जिंदगी में आलोकनाथ के कितने बच्चे हैं, सबको एकत्र कर लिया जाए, और अगर वो गर्मी की छुट्टियां कहीं बिताने जाए तो पूरी ट्रेन बुक करानी पड़ेगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, बस वो कॉमेडी में एक्सपर्ट है, तो मैं संस्कारों में एक्सपर्ट मतलब आप अपने संस्कारों से तो मार तो वो देंगे। तीर चलाएगा कॉमेडी के, तो मेरी संस्कारों की ढाल है ना मेरे पास। आलोक जी, आपके नाम का भी एक मतलब निकाला गया है, आपको पता है? पता अभी तक सुना नहीं आलोक का स्पेलिंग है ALOK, जी। अ लॉट्स ऑफ कन्यादान। अरे बाप रे, अरे बाप रे, लॉर्ड्स ऑफ कन्यादान, क्या बात सर। बहुत पुण्य मिलता है कन्यादान करने से जी। देखिएगा, मैं तो बस शायद मैं बस जीता ही रहूंगा। मुझे लगता है कि ये मतलब ये जो दौर चल पड़ा है, ये जो सिलसिला चल पड़ा है, मतलब बेइंतहा मतलब चलता रहेगा, इसका इसकी कोई समय सीमा नहीं होगी, ना ना क्या लगता है ना ना आपको? ना, ये सर 4 दिन की चांदनी है। चांदनी भी क्या है, 4 दिन की तपिश है। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, किसी और को पकड़ लेंगे। कितना खींचेंगे, बहुत खींच लिया ऑलरेडी, अब ये कुछ ही दिन की बात है। अपने आप इट डाई, इट्स नेचुरल डेथ। जी, लेकिन आपकी चर्चा होती है, आपका नाम होता है, तो आप इससे खुश हैं कि नाराज हैं? मैं बिल्कुल खुश, एज इन लाइक मुझे कोई नाराजगी नहीं। सुबह बीवी बरस पड़ी मुझ पे, क्या किया है तुमने, किसी से लड़ाई हो झगड़े हो, पता है क्या किया है। तो वो जब बीवी ये कहती है ना, पता है क्या किया है, तो अब अचानक बहुत से फ्लैशबैक जहन में जाने लगते हैं कि क्या किया है, कुछ किससे कुछ कहीं। मैं तो कुछ भी नहीं किया। पता है तुम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो। मैंने कहा ट्विटर पे ट्रेंड करो, मेरे तो अकाउंट भी नहीं है ट्विटर में। तो कैसे फिर, मैंने कहा उठाओ बच्चों को, उठाओ उनसे पूछो। उन्होंने कहा पापा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स करो, हम तो खूब मज़े लूट चुके हैं रात भर। हुआ क्या था कि शायद आपकी कोई फिल्म आ रही थी टीवी पे, राजश्री की, हम साथ साथ हैं। तो मेरा उसमें कोई, जैसे मैं राजश्री की फिल्मों में एक नाइस पिता होता हूँ, तो कुछ संस्कारी डायलॉग रहा होगा। तो उस डायलॉग को पकड़ के उन्होंने कुछ, एक किसी ने एक कोई तंज कर दिया, बस एक ने वो तंज किया तो लोगों ने पकड़ लिया।
मौका मिलना चाहिए ना कि अब आया ये मैदान में, ये कोई और जब जोक क्रैक होता है या कोई मजाकिया जोक आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हंसते हो ना, तो अब आप पे हो रहा है तो आप हंसो। तो मैंने कहा कमाल की बच्ची है, इसने तो बहुत अच्छा मेरे को एक संस्कार मुझे बच्चे से मिला। तो जो जितना था एक बुलबुला सा ठीक है, उसमें थोड़ी हलचल हुई, लोगों ने मौज मस्ती की, बट अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आलोकनाथ जी के बारे में मतलब इतना कुछ आजकल चल रहा है कि जितने भी याद करें उतने कम हैं। मैंने अभी अभी एक पेपर में देखा, उसमें लिखा था कि आप जब मोबाइल पर टेंपल गेम खेलते हैं तब आप चप्पल निकाल के खेलते हैं और जितने भी राउंड आप पास करते हैं उसके बाद प्रसाद बांटते हैं। तो प्रसाद कहाँ है, मुझे दीजिए प्रसाद। मेरा आशीर्वाद मिल गया ना तुम्हें पहले, मतलब आशीर्वाद ही प्रसाद है। अरे उससे बढ़कर प्रसाद है ही नहीं कुछ। इंडस्ट्री में ऐसा कौन है जो आपको सच में बाबूजी कहता है? इंडस्ट्री में है, जैसे हमने एक सीरियल किया था विदाई, तो उसमें मेरी दो बेटियां बाबूजी, वो मुझे बुलाती थी पारुल, उस सीरियल में सारा मामा जी बुलाती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो मुझे आज तक जब भी मिलती है, जहाँ भी मिलती है बाबूजी ही बुलाती है। और ये नहीं, और सारा जब भी मिलती है मामा जी, मामा अंगद और किंचू के भी जब भी मिलते हैं मामा जी करके ही बुलाते हैं। और ये भी नहीं, वो मेरी पत्नी को, मेरी वाइफ को भी आशु माँ बुलाती है। सलमान खान क्या कहते हैं आपको? मुलाकात नहीं, सलमान आलोक जी बुलाया करता था। उसको लेकर भी कुछ लोगों ने तंज किए हैं। करण जौहर के शो में कुछ कहा था कि मैं वर्जिन हूँ, तो लोगों ने लिखा मीम करके जो शुरू है ना, कि ये इसलिए कहा उसने क्योंकि इसको मैंने प्यार किया, हमें आलोकनाथ से संस्कार मिले थे। पता ही ये आपके संस्कारों की वजह से वो आज नच बलिए में पहुंच गए हैं। अरे नहीं, वो तो बहुत ही काबिल इंसान है।